पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन्स क्षेत्र में टिकली फैक्ट्री के पास एक खंडर में कुछ लोग अवैध रूप से शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर इस शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और मौके से चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में अवैध शस्त्र का धंधा करने का मुख्य सरगना भी शामिल है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 5 बने और 10 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी को लिखा पढ़ी के बाद जेल भेज दिया है। मौके से पुलिस को अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और कच्चा माल भी मिला है। पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया है। इस गिरोह के पास से कारतूस भी मिले हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कारतूस कहां से आते हैं। उन्होंने बताया कि बरामद हुए शस्त्रों में एक लाइसेंसी बंदूक है, एक टोनिया भी मिली है। सत्यवीर ने पुलिस को बताया कि बंदूक उनके साथी को रास्ते में पड़ी मिली थी। बंदूक का लाइसेंस नंबर मिटा दिया गया है, इसीलिए बंदूक को फॉरेंसिक लैब भेजकर इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं से पता लगेगा कि बंदूक कहां से किसे बेची गई थी। ये थाना सिविल लाइन्स को आज सुबह एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एक अवैध असला फैक्ट्री, जो यहाँ एक टिकली फैक्ट्री है, उसके बराबर में एक टावर के सामने खंडहर नुमा एक मकान था, जिसमें कुछ लोग एक अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे। वहाँ पुलिस ने रेड की है, तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में हमको बने हुए अवैध तमंचे और कुछ अधबने तमंचे बनाने के उपकरण ये सब प्राप्त हुए हैं। 4 अभियुक्त वहाँ से मौके से गिरफ्तार हुए हैं, जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होने का। अभी और भी ज़्यादा हम लोग इनसे गहराई से जानकारी कर रहे हैं। ये वहाँ पिछले काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे, तो अभी हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इनके पूरे नेटवर्क में और कौन कौन है, किस तरह ये सप्लाई करते हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं उन तक ये किस माध्यम से पहुँचता है, इसकी हम पूरी जानकारी कर रहे हैं। इसमें जो सत्यवीर है, जो पहले भी जेल जा चुका है, वो इस गैंग का सरगना है, उससे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।